भारत में कुल बिजली उत्पादन का 64% हिस्सा कोयले से आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खदानों से कोयला कैसे निकाला जाता है? आइए आपको ले चलते हैं तेलंगाना की सिंगरेनी कोयला खदानों में। पहले जब कभी कोयला खदान में काम करने वालों का जिक्र होता था तो जहन में एक ऐसे व्यक्ति का ख्याल आता था जो एक हाथ में लालटेन, दूसरे हाथ में औजार और सिर पर टोकरी रखे अंधेरी गहरी सुरंग में उतरता हो, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मैकेनाइज्ड सिस्टम और ऑटोमेटेड मशीनों की मदद से अब खदानों से कोयला निकालने की प्रक्रिया उतनी जटिल और थकाऊ नहीं रही जितनी पहले कभी हुआ करती थी। कुछ खदानों में एलिवेटर के सहारे दाखिल होना पड़ता है और कुछ में रोपवे या छोटी ट्रेन के जरिए। कोयला कई परतों में दबा होता है। इन परतों में कुछ मीटर कोयला होता है, फिर एक परत पत्थर की होती है, फिर कोयले की परत और इसी तरह से क्रमवार। इन परतों में से कोयला निकालने के लिए धमाके या विस्फोट करने की जरूरत होती है। इसके लिए पहले विस्फोटक लगाया जाता है और फिर उसमें धमाका किया जाता है। विस्फोट के बाद मशीन वो कोयला उठाती है जो वहाँ इकट्ठा हो चुका होता है। कोयला निकालने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जैसे साइड डिस्चार्ज लोडर, कंटिन्यूस माइनर्स, लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें। हम लोग सपोर्ट में रह के इसे 20 मीटर पीछे से कटिंग कर सकते हैं। एक घंटे में कितने टन माइनिंग कर सकते हो? और ये करीब एक मिनट में 10 टन अपना काटने के लिए। कोयला निकाले जाने के बाद इसे कन्वेयर बेल्ट या बिन ट्रेन के जरिए ट्रांसपोर्ट कर मैदानों तक पहुंचाया जाता है। फिर इस कोयले को ट्रकों में लोड किया जाता है। बाद में रेलगाड़ियों के जरिए पावर प्लांट तक इसे पहुंचाया जाता है। जब कोयले को गांव जितने बड़े बड़े गड्ढों से निकाला जाता है तो इसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। यहां कोयला निकालने के लिए विस्फोट कराना ही पड़ता है। फाटी मोतम विद इन मिली सेकंड्स लोपल ने आईपोते एंड 400-500 मिली सेकंड्स ने टोटल ब्लास्टिंग कंप्लीट आईपोते। इन 40 छेदों के टारगेट को भी मिली सेकंड में धमाके से उड़ाया जा सकता है। खदानों में धमाका करने के लिए वो पहले छेद करते हैं, फिर उनमें विस्फोटक भरे जाते हैं। धमाके करने के बाद बड़े बड़े ट्रकों से कोयला ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत में कोल इंडिया कोयला निकालने का काम करती है, जो भारत सरकार की कंपनी है, लेकिन सिंगरेनी इकलौती कोयला कंपनी है जिसकी कमान राज्य सरकार के हाथों में है। निजाम की हुकूमत के दौरान अंग्रेजों की मदद से सिंगरेनी की नींव रखी गई थी। यहाँ हर साल 65 लाख मीट्रिक टन कोयला निकलता है और इस जगह से हर साल 1,000 करोड़ रुपए का मुनाफा बनता है। सिंगरेनी खदानों में 44,000 कर्मचारी काम करते हैं। गोदावरी घाटी में पड़ने वाले सिंगरेनी खदानों का तेलंगाना की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जिंदगी पर गहरा असर दिखता है।